भरतपुर में पानी संकट का एक मामला बयाना उपखंड के गांव नगला खेरिया में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 700 लोगों की आबादी है, मगर गांव में पीने के पानी के लिए कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ एक हैडपंप है जो कई दिनों तक खराब हो जाता है, उसे ठीक किया नहीं जाता। पानी के लिए तरसती महिलाओं ने कहा कि हमारे गाँव में पानी की किल्लत काफी समय से है और सरकार पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है, जबकि पानी उपलब्ध कराने के लिए हमने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है मगर कोई सुनता नहीं। जलदाय विभाग के अधिकारी ने कहा कि गाँव में पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्लॉक में ना जी उसका जो भी समस्या है, उसका समस्या के समाधान के लिए किस योजना से लाभान्वित को देख के उसके अकॉर्डिंग उसका समाधान कर देते हैं। और बाकी अभी गवर्नमेंट इंडिया का एक और राजस्थान गवर्नमेंट का, दोनों गवर्नमेंट का एक योजना चल रही है जिसमें हर घर में जल समूह से जोड़ा जाएगा, सभी को घर घर पानी पहुंचाया जाएगा।